उन्होंने कहा हुआ है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। क्या बनाएगा इसमें? सिंपल वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आधार और कैरी और ये फर्क। आचार नहीं, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनसे पूछ कर देखना चाह रही हूँ। हाँ भाई माही, माही तुम कल नहीं आए थे, वीडियोस भी नहीं देखी, तुम्हारे नंबर भी 8 है, तुम्हारे कुछ नहीं हो पाया। 8 नंबर है, पूरी शीट खाली, पूरी शीट खाली। आप बताओ कैसे करोगे, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर आप मेहनत घर पर नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। मैम रेशो इक्वल है ना, कुछ नहीं दिया तो। हाँ क्वेश्चन मैं नहीं दिया था इक्वल, बताओ क्या होगा बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, नहीं दिया, इस लाइन का क्या मतलब है? हैव नॉट बीन क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हिमांशी? हाँ क्या पार्टनर को मिलना चाहिए या उनसे लेना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए। किसी पार्टनर को कुछ मिलता है, फर्म किसी पार्टनर को कुछ देती है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? पार्टनर का, पार्टनर को अगर फर्म से कुछ मिल रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। कल भी मैंने आपको बताया अगर किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, ये कल भी मैंने बात बताई। किसी को कुछ मिल रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, किसी के अकाउंट में से पैसा निकाला जा रहा है उसका अकाउंट डेबिट होता है। कभी अपने बैंक की पासबुक उठा कर देखा, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, जब आप बैंक में से पैसे निकालते हो तो आपके अकाउंट में से डेबिट होते हैं। समझ रहे? किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में जिसको कुछ मिल रहा हो, ये मैं स्पेशली आप 2-3 बच्चों के लिए बता रही हूँ, मुझे पता है आप लोग भूल गए। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चीज मिल रही होती है, समझ गए, उसका अकाउंट क्रेडिट। व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, हम यहाँ पर केवल व्यक्तियों पर, पर्सन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं ना खर्चों की बात कर रही हूँ ना एसेट्स की बात कर रही हूँ। व्यक्तियों को, किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को कुछ मिलता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में से पैसे निकाले जाते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके अकाउंट में से निकलकर किसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए? फर्म के अकाउंट से निकलकर पार्टनर के अकाउंट में जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? फर्म को डेबिट करेंगे। कैसे? 40,000 5%। कितना होगा माई? बोलो बोलो बेटा कितना होगा? 2,000। आपको डेली आना है, बिल्कुल डेली आना है, एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी है। 2,000। आप इस 2,000 के साथ क्या लिख देंगे? दो कॉलम नहीं बनाने, इसी कॉलम में डेबिट क्रेडिट लिखेंगे हम। इसके में 4,000 टोटल, डेबिट डेबिट का मतलब क्रेडिट। 3,000 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें और कोई गलती हुई नहीं है ना, कोई सैलरी की गलती हुई, सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, है ना। अब आपने क्या करना है, ये 6,000 यहाँ पर नील करने हैं, नील करने हैं, तो इसको क्रेडिट कर दें। फर्म के लिए नील किए जाते हैं, ये स्टेप ध्यान रखो। ये नील हो गया, जीरो हो गया। अब ये अगर क्रेडिट हुआ है तो ये दोनों डेबिट होंगे। और किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल, इक्वल यानी 3,000 डेबिट, 3,000 डेबिट। बेटा जिन बच्चों को नहीं आता वो बोलो ताकि मुझे पता लगे वो गलत या सही क्या बोल रहे हैं। तुम गलत तो बोलो, मैं करेक्शन कर दूंगी। जरूरी नहीं है कि क्लास में सही बोलना है, गलत मुझे पता तो चले तुमने क्या समझा। हाँ बोलो।
6000 रुपए ये मैंने क्यों किया यहाँ क्रेडिट, क्योंकि इसको मुझे बिल करना था, ये क्रेडिट कर दिया। अब जब मैंने जैसे ये क्रेडिट किया, मुझे समझ में आ गया फर्म के साथ पार्टनर का अपोजिट संबंध है, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होंगे, ये डेबिट होता तो ये क्रेडिट होता, समझ गया। आप क्या करूं, 1000 डेबिट, 2000 क्रेडिट, 1000 और इसके साथ क्या वर्ड लगेगा, क्या वर्ड लगेगा बताओ भाई, बोलो तुम दोनों बोलो क्या होगा, तुम बोलो, डेबिट लगेगा क्रेडिट। मैथ्स में क्या लगता है, मैथ्स में एक प्लस का और एक माइनस का हो तो क्या करते हैं, माइनस करके जो साइन बड़ा वो लगाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर होगा, क्या होगा बताओ, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और यहाँ 4000 क्रेडिट, 3000 डेबिट, क्रेडिट वाला ज्यादा है ना, तो 1000 क्रेडिट। अब बताओ यहाँ पर आपको एंट्री अपने आप बन गई है, क्या एंट्री बनी, आजाद का अकाउंट डेबिट, आजाद अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 1000 और 2 बैरीज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता इस चैप्टर में से, ठीक है। और ये करने का इसका एक नंबर इस लाइन का, एक नंबर इस लाइन का, एक नंबर इस लाइन का, हाँ क्या कह रहे, चलो बस मैं सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, देख लो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमने 2000 रुपये क्रेडिट किए हैं, ए के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैरी के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 क्रेडिट किया, जिससे फर्म का 2000 रुपये डेबिट हो गया, सॉरी 6000 रुपये डेबिट, मतलब ब्रैकेट कंसेप्ट वही है, जब जिसको मिल रहा है पैसा उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और जिसके अकाउंट में से पैसा निकाला जा रहा है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। फिर और कोई भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी, केवल इंटरेस्ट की थी, तो एक ही मिस्टेक पर हमने छोड़ दिया, इसको मैंने डेबिट कर जीरो करना था तो मैंने इसको क्रेडिट करके जीरो कर दिया, और जैसे ही ये क्रेडिट हुआ तो पता चल गया कि फर्म डेबिट होगी, फर्म सॉरी ए और बी, चलो जो भी सिंपल ही है ये भी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इसी में से आपकी एंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। मुझे लग रहा है